बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ हमारे पास ऐसा डिवाइस है जो हम लोग आइसोटोप्स को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, आइसोटोप के मैस को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, या हमारे पास किसी एटम का मैस जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। एक्चुअली जो वर्ड है स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रम का मतलब ही है अरेंजमेंट। सो हमारे पास ये आयंस की अरेंजमेंट निकालता है कि हमारे पास किसी एटम के कितने एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स है, स्मॉलर टू हायर, एक है, दो है, तीन है, तो उनकी तरतीब से आपको बताते हैं कि इनके मैसेज क्या है। एक्चुअली ये हमारे पास तीन तरह के डिवाइसेज है, एक होता है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, एक होता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर और एक होता है मैस स्पेक्ट्रोस्कोप। इनमें फर्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनका वे ऑफ डिटेक्शन, किस तरीके से ये पार्टिकल को डिटेक्ट करते हैं। थोड़ा सा आगे चल के जब इसकी हम कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह वहाँ पर आपको इनका फर्क जो है वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ जो है उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो चार हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास होता है आयन सोर्स, जहां पर जिस मटेरियल के हम लोगों ने आइसोटोप्स फाइंड करने हैं उस चीज को आयनाइज किया जाता है। कैसे आयनाइज? बाय स्ट्रिपिंग द इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल के उसको पास जो आयन है वो बना दिया जाता है। उसके बाद दूसरी जो चीज आती है वो आ जाता है विलासिटी सिलेक्टर। विलासिटी सिलेक्टर आप लोगों के पास ऐसी ही चीज़ होती है जो बहुत सारी विलासिटीज में से एक पर्टिकुलर विलासिटी को पिकअप कर लेती है। तो जाहिर है यहाँ पर आयन सोर्स जो बने होंगे वो डिफरेंट विलासिटीज के हैं, तो उनमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर विलासिटी को हमने सेलेक्ट करने हैं जो ऊपर की तरफ जाएंगे। इस वजह से दरमियान में हम लोगों ने विलासिटी सिलेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। फिर अगली जो चीज़ हमारे पास आती है वो आयन सेपरेटर आ जाते हैं। आयन सेपरेटर में हम लोगों ने, हमारे पास बेसिकली एक ग्लास ट्यूब है, एवेक्यूएटेड, हाईली एवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ताकि कोई फर्दर आयनाइजेशन का प्रोसेस वगैरह ना हो सके। तो इस ग्लास ट्यूब के ऊपर हम लोगों ने फील्ड को यहाँ पे लगाया हुआ है परपेंडिकुलर टू द ट्यूब, मीन्स के इस वक्त फील्ड जो है वो टूवर्ड्स मी है, इस तरफ को है, इस पर फील्ड। अब जब चार्ज पार्टिकल आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, जब चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर एंटर होते हैं तो डेफिनेटली दे विल टेक अ कर्व पाथ। स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं जाते, वो कर्व पाथ में जाते हैं, सर्कुलर पाथ। अब क्योंकि अगर मैसेज एक तरह के होंगे तो इसमें एक ही सर्कल बनेगा, अगर मैसेज आप लोगों के पास डिफरेंट है तो डेफिनेटली इसमें आप लोगों के पास दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आइसोटोप्स। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग एक हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं बिटवीन दिस, यू कैन से असलेट हेयर एंड असलेट हेयर। अब इस स्लेट जो है इसको आप स्लेट वन बोल दो, इसको आप लोग स्लेट टू बोल दो। स्लेट वन को हम लोगों ने पॉजिटिव रखा होता है ताकि ये आयन जो है वो स्ट्रांगली रिपेल हो, और इसको हम लोग नेगेटिव रखते हैं ताकि ये स्ट्रांगली इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। लास्ट थिंग इसमें आ जाती है फोटोग्राफ, यहाँ पर हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट रखी होती है। ये जब आयन इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो अपना मार्क छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो मेन फर्क है इसमें मैस स्पेक्ट्रोमीटर में और मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में वो यही है, जो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है वो आपके पास नॉन इलेक्ट्रिकल मेथड से जो आयन्स हैं, जो आयन हमारे पास होंगे या जो आइसोटोप्स होंगे उनको डिटेक्ट करेगा, जबकि मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिकली इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं कि पार्टिकल की अराइवल हुई है। और तीसरी चीज़ आप लोगों के पास जो होती है दैट इज मैस स्पेक्ट्रोस्कोप, उसमें ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सो मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो आपके पास पार्टिकल्स हैं उनकी डिटेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली होती है, और मैस स्पेक्ट्रोग्राफ जो है इसमें
जो चार्ज पार्टिकल है उनकी डिटेक्शन जो है वो नॉन इलेक्ट्रिकल मेथड मींस के फोटोग्राफिक फिल्म वगैरह रख के उससे डिटेक्ट किया जाता है। और तीसरा जो आपके पास आता है मैस स्पेक्ट्रोस्कोप, उसमें ये दोनों चीजें जो है उनको अप्लाई किए होते हैं। अब आते हैं कि हमारे पास इसमें किस तरीके से इसका हम लोग मैस या स्कोप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, मैंने ये सारी कैलकुलेशन करके रखी है टाइम बचाने के लिए कि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए। तो इसके लिए कहते हैं कि चूंकि चार्ज पार्टिकल जैसे ही होते हैं दे टेक सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ ले रहे हैं, इट मींस के उनको जो रिक्वायर्ड सेंटीपेटल फोर्स है वो कहीं ना कहीं से मिल रही है। तो इट मींस कि हमारे पास दिस मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू द सेंटीपेटल फोर्स, मींस के जो रिक्वायर्ड सेंटीपेटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स को प्रोवाइड कर रही है। सो एफ बी की जगह हम लोग मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हैं, क्यू वी बी, और सेंटीपेटल फोर्स की जगह लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। V दोनों साइडों से कट जाएगा, सो क्यू बी विल बी इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय आर। और फर्दर इसमें से अगर हम m की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये आ जाती है। थोड़ा सा इसको मैंने स्क्वेयर कर दिया m, क्योंकि अब इसमें देखें चार्ज जो है वो इजीली आयन अगर बना हुआ है, आपको पता है कि अगर आप लोगों ने सिंगल आयनाइज किया है, सिंगल आयनाइज किया है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बी एक्सटर्नल फील्ड है जो एक्सटर्नली अप्लाई किया वो भी मालूम किया जा सकता है, कैलकुलेटेबल है। आर आप लोगों के पास रेडियस आ रहा है, तो रेडियस यहाँ से फोटोग्राफिक फिल्म जहाँ पर ये स्ट्राइक करता है तो इससे आप लोग ये डिस्टेंस निकाल के आर की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो नो इशू, सिर्फ अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ बी जो वेलोसिटी है इसको फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए आप उसको इनडायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करोगे। तो सिंपली मैंने इस इक्वेशन को स्क्वेयर किया क्योंकि ये स्क्वेयर से सॉल्व हो गया। अब ये जो चार्ज पार्टिकल इधर से जा रहे हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है, भाई काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जो हम लोगों ने सोर्स लगाया हुआ है उस सोर्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो खर्च हो रही है और आगे हमें वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। सो मैंने लेटर लिख दिया कि लॉस आ रहा है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सोर्स, और दूसरी साइड पर गेन आ रहा है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में। सो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं क्यू वी नॉट, मैंने तो चूंकि दो वी आ रहे थे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पोटेंशियल वाले को वी नॉट कर दिए। सो ये आ गया क्यू वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से डी की वैल्यू वी स्क्वायर की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास ये आ जाती है। अब इसी वैल्यू को हम लोग अगर इस इक्वेशन वन में यूज करें तो हमारे पास कुछ ये सूरत हाल, एम और एम कट जाएंगे स्क्वायर के साथ, क्यू और ये आपके पास कट जाएंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से रह जाती है। अब ये इस तरीके से हमारे पास आ जाती है, तो इससे हमें क्लियरली पता चल जाता है कि रेडियस और एम जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस और एम जो है वो आपस में टू बी नॉट, ये भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट आ गया हमारे पास, क्यू भी कांस्टेंट, और सिर्फ हमारे पास ये बन जाता है दैट इज एम। सो हाँ, इधर से ये क्लियर हो जाता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। जिन पार्टिकल का मैस ज्यादा होगा उनके लिए आर की वैल्यू भी ज्यादा होगी, जिनका मैस कम होगा उनके लिए आर की वैल्यू भी कम होगी। सो यहां से फोटोग्राफिक प्लेट को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास अगर जो इनर डार्ट बनेंगे, जो इनर स्पॉट आएगा, इट मींस कि वो आप लोगों के पास लाइटर आइसोटोप है, और जो आउटर बनेगा वो आपके पास क्या हैवियर, और जो सबसे बाहर होगा वो सबसे आपके पास हैवियस्ट आइसोटोप आप लोगों के पास होगा। यहां से एक और चीज का आप इस तरह भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेट से अगर आप लोगों के पास ये होता हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन हम लोगों ने अगर रखी होती तो क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं H1, 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 H1,
H1N1 होता, फिर H12 होता, फिर H13 होता, ठीक है। और तीसरी चीज यहां से हमें यह पता चलती है इनकी रिलेटिव एबंडेंस, कौन सा वाला आइसोटोप जो है वो मिकदार में ज्यादा पाया जाता है। तो वो जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो स्पॉट बनेगा उस स्पॉट से अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर लाइट स्पॉट बनता है तो हम लोग बोलते हैं जी कि इसकी डेंसिटी कम है, ये इसकी एबंडेंस जो है वो कम है। अगर ज्यादा डार्क आप लोगों के पास बनता है, साइज में बड़ा बनता है, इट मीन्स के उस आइसोटोप की रिलेटिव एबंडेंस जो है वो ज्यादा है।
थैंक यू वेरी मच।